सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ऐसी 25 डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस इन हिंदी के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप लगभग आधी स्पीकिंग इंग्लिश को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको देख कर लगता है कि इसमें ग्रामर का सही ढंग से उपयोग किया गया है, लेकिन आपको कई सारे ऐसे भी सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं जिनको देख कर लगता है कि इसमें ग्रामर का बिल्कुल भी सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है, और ऐसे सेंटेंसेस को देखकर आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। आपको ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस को देखकर इसमें ऐसा अनुभव हो जाता है कि इसमें ग्रामर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस को वैसे ही बोला जाता है क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले लोग भी उसी तरीके से बोलते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस पुटअप करते हैं। 276 है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। 277 है, वह किसी भी पल यहाँ आती होगी, शी विल बी हियर एट एनी मिनट। 278 है, मूवी का अंत बहुत ही रोमांचक था, द एंड ऑफ द मूवी वॉज द मच एक्साइटिंग। 279 है, हमारी इस विषय में कभी बात नहीं हुई, वी नेवर टच दिस पॉइंट। 280 है, मैं पहले से ही तनावग्रस्त हूँ, आई एम ऑलरेडी टेंस्ड। 281 है, जल्दी का काम शैतान का होता है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। 282 है, मैं दोस्त के साथ समय बिताने का मौका नहीं छोड़ना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द चांस टू स्पेंड द टाइम विथ माई फ्रेंड्स। 283 है, चाहे जिंदगी में कैसे भी परेशानियाँ आ जाए, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस्ड इन द लाइफ। 284 है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, आई विल नेवर गिव अप। 285 है, मैं अपनी बहन को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, आई ऑलवेज वॉन्ट टू सी माई सिस्टर हैप्पी। 286 है, मैं अपने घर वालों के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आई विल नेवर लीव माई फैमिलीज कंपनी। 287 है, हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, वी विल ऑलवेज बी इच अदर। 288 है, दिन में आराम करने के बाद मुझे रात में नींद नहीं आती, आई डोंट फील स्लीपी एट नाइट आफ्टर टॉकिंग सिस्टर। 289 है, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल टूडे। 290 है, जब बच्चे खुश होते हैं तो सारा घर खिलखिला जाता है, द इंटायर हाउस सीम्स लवली हैप्पी व्हेन द किड्स आर हैप्पी। टू नाइन्टी वन है, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, मे यू गेट माई एज। 292 है, मैं बहुत एहसासमंद रहूँगा अगर तुम मेरा काम कर दोगे, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कम्प्लीट माई वर्क। 293 है, यह कुत्ता तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया, दिस डॉग्स केम हियर फॉलोइंग यू। 294 है, जब मैंने उसे मना किया था तब मुझे बहुत बुरा लगा, आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन आई रिफ्यूज्ड हर। 295 है, आपकी तलाशी ली जा सकती है, यू आर लीबल टू द सर्च्ड। 296 है, मेरी झपकी लेने की संभावना है, आई एम लीबल टू मेक नैप। 297 है, क्या आप दोनों कल नैनीताल जा रहे हो, आर बोथ ऑफ यू गोइंग टू द नैनीताल टुमारो। 298 है, क्या आप भी हमारे साथ आना चाहते हो, डू यू ऑल्सो वना टू कम विथ अस। बिल्कुल नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, नॉट एट ऑल, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले ग्लूसबरी। 300 है, तुम तो कहीं और ख्याल में खोई हुए हो, यू आर जस्ट अजोंड आउट। सो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस थे, डेली यूजेस 25 इंग्लिश सेंटेंसेस थे, जिनको मैंने इजीली स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, और आप हमेशा प्रयास करेंगे कि अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में और अपने क्लास में
अपने दोस्तों के साथ में हमेशा इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मीन्स इंग्लिश इज़ एन लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो होता है हमेशा आपको बोलने से ही प्रैक्टिस होता है। तो आप जब भी हमेशा अपने दोस्तों के साथ में रहेंगे, क्लास में रहेंगे, कोचिंग में रहेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिएगा, तो ऐसे धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान वे में सीख जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।